वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी होम रेमेडीज शेयर करूंगी जो आपके स्किन के पिंपल्स, मुहासे या एक्ने से छुटकारा दिलाने में आपकी हेल्प करेंगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसमें रिक्वेस्ट किया है कि प्रेगनेंट लेडीज जो हैं, प्रेगनेंट होने के बाद उनकी स्किन काफ़ी डल हो जाती है, स्किन काफ़ी ऑयली या पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उससे किस तरीके से छुटकारा पा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक इसी टॉपिक पर है। तो फ्रेंड्स, आज मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी होम रेमेडी बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपनी स्किन की जो आपकी स्किन काफ़ी डल हो जाती है या आपकी स्किन काफ़ी पिंपल, एक्ने या ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक हेड्स हो गए हैं, तो आप उनसे बहुत ईजिली छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 टेबल स्पून चंदन पाउडर और अब इसमें ऐड कीजिए चुटकी भर हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में सिर्फ चुटकी भर ही ऐड करना है और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कच्चा दूध। अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद इसे अपने फेस पर अप्लाई करें। दोस्तों, इसमें जो चंदन पाउडर लिया है वो आपके चेहरे को बहुत ही सॉफ्ट एंड ग्लोइंग बनाता है, बल्कि ये आपके स्किन संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को दूर करने में, उन्हें सॉल्व करने में ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। आपको स्किन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि एक्ने है, पिंपल है या खाज खुजली हो जाती है, तो उन्हें रिमूव करने में ये आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा स्किन काफ़ी डल हो जाती है, काफ़ी सांवलापन सा और काफ़ी स्किन काफ़ी डल सी हो जाती है, तो ये उस डल स्किन को रिमूव करके आपकी स्किन को एकदम ग्लोइंग एंड सॉफ्ट बनाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें हमने हल्दी लिया है और हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि आपके चेहरे पर अगर एक्ने हैं या पिंपल्स हैं या छोटे छोटे दाने हैं तो उनके बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा, जिससे कि आपके चेहरे पर ये पिंपल्स, मुहासे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके चेहरे पर इसके दाग धब्बे हैं, कोई भी ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो उन ब्लैक स्पॉट्स को रिमूव करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। और इसमें हमने दूध लिया है जो कि चेहरे को नमी देने में, उसे मॉइस्चराइज करने में मदद करता है। दूध में ऐसे पाया जाता है जो कि आपके स्किन को गोरा बनाने में, उसे साफ सुथरा करने में हेल्प करेगा और यह आपके रोम छिद्रों की सफाई करने में भी आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो फ्रेंड, आप इस फेस पैक का अपने चेहरे पर लगभग 20 मिनट तक आप इसे लगा रहने दीजिए और इसे सूखने दीजिए। उसके बाद एक आप सॉफ्ट कपड़ा लेकर उससे आप अपने चेहरे को पोंछ लें और 20 मिनट बाद आप अपने चेहरे को पोंछ लें और ठंडे पानी से धो लें, तो आप देखेंगे कि आपका चेहरा नेचुरल ग्लो करने लगेगा और काफ़ी साफ सुथरा भी नज़र आएगा। तो दोस्तों, आप इस फेस पैक को सप्ताह में एक बार इसका यूज़ कीजिए, तो ऐसा करने से ये आपके चेहरे के जो दाग धब्बे हैं, पिंपल्स हैं या आपकी स्किन काफ़ी डल हो गई है, तो उसे एकदम रिमूव करके, डेड स्किन को निकाल कर आपको बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ ग्लोइंग स्किन देगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, काफ़ी अगर आपकी स्किन काफ़ी ऑयली है तो ऑयली स्किन की वजह से भी चेहरे पर काफ़ी सारे पिंपल्स आ जाते हैं, उनमें काफ़ी पेन होता है, तो जो चंदन पाउडर का ये जो फेस पैक है ये बहुत ही मददगारी साबित हो सकता है। तो जिन्हें भी अगर पिंपल, मुहासे हो जाते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं या चेहरे पर काफ़ी सारी झुर्रियाँ आ गई हैं, खाज खुजली की शिकायत है, तो आप इस फेस पैक को अप्लाई कीजिए। प्रेगनेंट लेडीज जो होती हैं, प्रेगनेंसी के बाद उनकी स्किन काफ़ी बेकार हो जाती है, काफ़ी झाइयाँ आ जाती हैं चेहरे पर, स्किन काफ़ी डल हो जाती है, तो वो आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कीजिए। ये आपके पिंपल, मुहासे, एक्ने, झुर्रियाँ, झाइयाँ सबको ख़त्म करके आपको एक बहुत ही सॉफ्ट, निखरी हुई और पहले जैसा निखार देने में ये आपकी हेल्प करेगा। साथ ही फ्रेंड्स, आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि ढेर सारा पानी पीजिए, तली भुनी हुई चीज़ें कम खाइए और एक्सरसाइज कीजिए। तो ऐसा करने से भी आपकी स्किन की जो डल हो गई है या पिंपल, मुहासे, एक्ने है या ऑयली है ज़्यादा, तो आप उसे बहुत ईजीली छुटकारा पा सकते हैं। और साथ ही मेरे इस होम रेमेडी को, जो मैंने उपाय बताया है, आप इस फेस पैक को अप्लाई कीजिए तो आपकी स्किन काफ़ी चमकदार, स्पॉटलेस एंड ग्लोइंग बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और मेरे ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले और भी नए हेल्पफुल वीडियोस, ब्यूटी टिप्स आपको मिल सके। तब तक के लिए